चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी, तो आप उसको रास्ता बताइए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर रहा है। जी जी, जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंघी नाद बजावत गावत, सिंघी नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई। मैं आपको, आपने देखा होगा कि मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना, और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए,
ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित हो रहा है। और मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। महादेव, भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है, शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुई है, शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास। और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है। और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष ताली बजा रहे हैं, वरना उनको लगता है हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में, सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देख करके। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं, अभी आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की जर्नी में किसी एक पॉलिसी डिसीजन या एक अभियान का कैसे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, ये आप सबको देख करके पता चलता है। 10 साल में हुए डेटा रिवॉल्यूशन से लेकर सस्ते मोबाइल फोन्स, डिजिटल इंडिया अभियान ने एक प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई दुनिया क्रिएट कर दी है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी सेक्टर की युवा शक्ति ने सरकार को प्रेरित किया हो, सरकार को मजबूर किया हो कि कब तक बैठे रहोगे, इसको भी सोचो। और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है, है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे। लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। अब ये श्रद्धा को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाती है। अपने प्रोजेक्ट में